हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा यूनिट चल रहा है अभी पाइप एंड किस्टन, जिसमें हमने बेसिक्स देख लिए थे। हमने देख लिया था कि अगर किसी पर्टिकुलर पाइप को भरने के लिए हमें किसी पाइप, किसी भी किस्टन या फिर टैंक को भरने के लिए पाइप की यूज होती है, तो हम लोग जो एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी बोल दें या फिर क्या बोल दें, रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ वाटर, मतलब यहाँ से कितना पानी जाएगा। और अगर हमारे पास क्या है, नेरो ओपनिंग है यहाँ पे जहां से लीकेज हो रहा है, या फिर वो क्या है, आउटलेट वॉल्व है जिससे पानी का क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को जो एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है वो किस चीज के लिए होती है, वो होती है नल के लिए या फिर टैप के लिए। लेकिन उस एफिशिएंसी से हम किसे फिलअप करते हैं, किस्टन को, जिसे बोला जाता है टंकी या फिर टैंक। अब देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी टैंक को हमें फिलअप करना है तो हम लोग किससे फिलअप करेंगे, क्या बाल्टी से फिलअप करेंगे या फिर ग्लास से फिलअप करेंगे? नहीं, हम लोग उसे फिलअप करेंगे जनरली किससे, पाइप से। किससे करते हैं, पाइप से या फिर टैप, टैप मतलब नल, है ना, या तो नल चालू कर देंगे, वो भी किससे जुड़ा होता है, पाइप से। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल देते हैं पाइप एंड किस्टन यूनिट का नाम, किस्टन को भरना है किससे, पाइप से। तो जो एफिशिएंसी निकालते हैं वो होती है किस्टन की, सॉरी, जो एफिशिएंसी निकालते हैं वो होती है पाइप की, और जो कैपेसिटी निकालते हैं जिसे भरना है वो होती है किस्टन की। तो यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्मूला जो आता है एफिशिएंसी या फिर बोल दें हम रेट, किसके बराबर होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम। इस एफिशिएंसी से किस्टन को भरने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फिलिंग अप द टैंक या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। वो डिपेंड करता है हम लोग उसे भरना चाह रहे हैं या फिर खाली करना चाहते हैं। अगर यहां पे हम लोगों से बोल दिया जाए पाइप है एंड पाइप भी है, देखो पाइप, दो पाइप है हम लोगों के पास, सिर्फ अगर हम पहले वाले पाइप को यूज करेंगे, क्या है हम लोगों के पास यहां पे, देखो अलग अलग नल है यहां पे, पाइप है, पाइप बी की बात कर रहा है। अगर वो ये बोल देता टैप ए एंड टैप बी, तो भी इसका मतलब क्या होता, सेम होता, सेम एज पाइप ए एंड पाइप बी, दो पाइप है, पाइप नंबर ए, पाइप नंबर बी। अब दोनों को पर्टिकुलर टाइम लगता है अलग अलग, 6 आवर्स एंड 8 आवर्स। जिसे 6 आवर्स लगता है, ए वाले को रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब ए वाले के लिए 6 आवर्स है और बी वाले के लिए 8 आवर्स है। मतलब ए जो पाइप, जब हम इसे ओपन करेंगे, स्टेप को ओपन करेंगे, तो यहां से जो पानी निकलेगा ना, वो इस पूरे किस्टन को भरने के लिए 6 घंटे लेता है, और ये जो पाइप भी है ये उसे फिलअप करने के लिए, कैपेसिटी तो सेम है क्योंकि हम लोगों के पास जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम अलग अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ वाटर क्या है, सेम है। मतलब यहां से जो पानी आने वाला है ना, उसका अलग है। देखो यहां पे ए को लगता है 6 घंटे लग रहे हैं, ए को टाइम कितना लग रहा है, 6। एफिशिएंसी क्या होती है, कैपेसिटी अपॉन टाइम, एफिशिएंसी ये होती है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टाइम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 6 घंटे लगते हैं इसे, मतलब कम टाइम लग रहा है, मतलब ये जल्दी भर देगा बी के मुकाबले। जब ए वाला 6 घंटा लेता है, बी वाला 8 घंटा लेता है, तो कम टाइम वाला जल्दी भरेगा ना, ये 6 घंटे में भर देगा। क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका रेट ज्यादा है। मतलब जो ओपनिंग है ना टैप की, जो पाइप की ओपनिंग है, वो क्या रहेगी, उसके वो मोटी रहेगी, मतलब जो सर्कल रहेगा, जो हमारा सर्कुलर शेप रहेगा जहां से पानी निकलेगा टैप में से या पाइप में से, उसकी क्या होगी, डायमीटर ज्यादा होगी यहाँ पे, तभी तो ज्यादा पानी निकलेगा ना। रेट क्या होगा, रेट ज्यादा होगा निकलने का पानी। यहाँ पे नेरो ओपनिंग है, यहाँ पे इसका क्या है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा ना बोलते हुए हम लोग ये बोलते हैं इससे तो छोटा है ना, ए वाले से छोटा है, क्योंकि यहां से पानी कम ज्यादा निकलेगा, ए में से, बी में से कम निकलेगा, बी में से कम पानी निकल रहा है इसलिए उसे ज्यादा टाइम लगेगा भरने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो अब हमसे क्या बोला गया है कि इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, पहले हम लोग ए को देखते हैं, अगर ए वाला इस टैंक को भरेगा जिसकी कैपेसिटी हमने कुछ एक्स मान ली है या फिर सी मान ली है, तो उसे 6 घंटा लगेगा। वहीं अगर टैप बी को ओपन करे, ये पूरा खाली है, जब पूरा भरने के लिए बी को 8 घंटे लगेंगे। जब दोनों को साथ में चालू कर दे, द पाइप आर ओपन टुगेदर, देन द टैंक कैन बी फिल्ड इन। अगर दोनों को साथ में हम लोग क्या कर दें, साथ में फिलअप कर दें, दोनों पाइप क्या कर दें, एक ही टैंक में डाल दें, तो हमारा टाइम कितना लगेगा, ये हमसे पूछा गया है, कितने घंटे लगेंगे हम लोगों को पाइप को भरने, सॉरी टैंक को भरने के लिए, किस्टन को भरने के लिए कैसे करेंगे, क्या यहाँ पे जितना टाइम लगेगा उससे माइनस कर देंगे क्या, नहीं, 6 और 8 दोनों का डिफरेंस लेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे जाएंगे एफिशिएंसी पे, पहले निकालेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ये 1 मिनट या 1 घंटे में उस पाइप को कितना भर सकता है, उसकी क्षमता कितना है, क्लियर, उसकी क्षमता कितनी है इस पाइप को भरने के लिए, कितने लीटर्स, लीटर एफिशिएंसी क्या होती है, लीटर कैपेसिटी की, यूनिट लीटर टाइम की, आर में लेंगे हम लोग जनरली।
तो लीटर पर टाइम, टाइम मतलब आर ले लेंगे, तो लीटर पर आर मतलब एक घंटे में कितना लीटर पानी इसमें बेच सकता है, ये एक घंटे में कितना लीटर पानी बेच सकता है। बात क्लियर है? सेम टाइम के लिए दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम के लिए दोनों चालू करेंगे, क्योंकि यहां पे भर जाएगा तो उसका मतलब दोनों को बंद करना पड़ेगा ना साथ में, पूरा फिलअप हो जाएगा तो हमारे पास जगह नहीं रहेगी ना उसको स्टोर करने के लिए। जब पूरा फिलअप हो गया इसकी कैपेसिटी से भर भर तक, गले तक भर जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा, तब दोनों को बंद करना पड़ेगा ना। तो वो जो टाइम जब हम बंद करेंगे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी हमने चालू कर दिया मान लो दोनों को, तो दोनों ने क्या किया, एक साथ मिलके इस टैंक को या किस्टन को यहां तक भर दिया, यहां तक भर दिया, कहां तक, ये जो इसका अपर मोस्ट लेवल है, पूरा फुल टू भर दिया, इसको पैक कर दिया, पूरा भर दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को बंद करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि एक को बंद कर दे एक को चालू रख दे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। ये हो सकता है कि थोड़े टाइम पहले हम लोग क्या करें, बी को बंद कर दे, फिर पूछ सकता है कि ए को कितना टाइम लगेगा बचा वो भरने के लिए। आगे देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो अब दोनों क्या कर रहे हैं साथ में, तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले कुछ भी हो एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी अपॉन टाइम, टाइम गिवन है लेकिन कैपेसिटी नहीं गिवन है। कैपेसिटी क्या सेम होगी दोनों पाइप के लिए, देखो कैपेसिटी सेम होगी, इतना कैपेसिटी का क्या भरना है, इतने लीटर कैपेसिटी का टैंक भरना है एक से, और बी से भी इतनी कैपेसिटी का भरना है, तो कैपेसिटी तो सेम हो गई ना, लेकिन एफिशिएंसी अलग आएगी क्योंकि नल अलग अलग है, नल अलग अलग है क्योंकि दोनों का डायमीटर अलग अलग है, बोला नहीं गया है, लेकिन हमें यह चीज पता है कि जिसका ओपनिंग मोटा रहेगा, जिसकी ओपनिंग क्या रहेगी वाइड रहेगी, उससे ज्यादा पानी निकलेगा और बी वाले से पानी कम निकलेगा। तो यहां पर क्या हो गया, उसको 8 घंटे लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी कम हो गई ना, रेट कम हो गया, मतलब एक घंटे में जो यहां से पानी निकलेगा वो कम निकलेगा, एक घंटे में यहां से पानी निकलेगा इसे वो ज्यादा निकलेगा क्योंकि कम टाइम लग रहा है। हमने देखा था कैपेसिटी हम सी मान सकते हैं, कैपेसिटी सी मान सकते हैं, लेकिन क्या हम कैपेसिटी सी मानेंगे, क्या गिवन नहीं है तो कोई भी कैपेसिटी मान लो, 10 मान लो 20 मान लो, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों माने, हम लोग ऐसी कैपेसिटी मानेंगे जो दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, क्योंकि टाइम से डिवाइड करना है हमें, एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना है, अपॉन में टाइम है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी अपॉन टाइम, होती है नहीं होती, कल पढ़ा हमने कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी किसकी होती है, कैपेसिटी हम लोगों की होती है ये जो किस्टन है ना जिसे हमें भरना है या टैंक उसकी, और टाइम इस एफिशिएंसी से इस कैपेसिटी को भरने के लिए कितना टाइम लगता है। एफिशिएंसी किसकी होती है, नल की, किसकी होती है, नल की। तो अब यहां पे कैपेसिटी अपॉन टाइम, तो हम लोग एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे ना, पॉइंट में क्यों निकालना चाहेंगे हम लोग, गिवन नहीं है तो हम कैपेसिटी की वैल्यू ऐसी सपोज कर लें, एक्चुअल में हो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सपोज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें कैपेसिटी गिवन नहीं है। कैपेसिटी की अगर वो बात करता तो जो कैपेसिटी दी गई होती चाहे वो एलजेब्रा की टर्म में हो, एलजेब्रा यानी हमारे वेरिएबल की टर्म में हो, कोई एक्स वाई जेड दे दे या सी दे दे कैपेसिटी को, और टाइम हमें गिवन है, तो हम लोग कैपेसिटी को ऐसा लेना, अगर हमने कैपेसिटी को कितना ले लिया, 6 ले लिया मान लो, ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब एफिशिएंसी ऑफ ए निकालेंगे तो 6/6 हो जाएगा हम लोगों के पास इंटीजर 1, लेकिन यहां पे टाइम 8 घंटे है, यहां ऊपर 6 रखेंगे तो कितना आएगा 3/4.75। तो हम लोग पॉइंट को इग्नोर करें ना, पॉइंट को क्यों ले हम लोग, तो हम लोग ऐसा नंबर चूज करेंगे कैपेसिटी के लिए जो कि दोनों से डिविजिबल हो, और ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल होता है वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो घंटे हैं ना ये 8 से, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले लेंगे हम लोग एलसीएम, किसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे हम लोग 6 और 8 का, जो टाइम गिवन है ना उसका एलसीएम ले लो सबसे पहला काम। यहां से क्वेश्चन क्या होगा, इंटीजर में आएगा और इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया कितना हो गया, सबसे छोटा मल्टीपल किसका होगा, एलसीएम होता सबसे बड़ा नंबर या फिर उसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल क्या होगा 8, क्या 8 6 से डिवाइड है क्या, नहीं 16 6 से डिवाइड है, नहीं 24 6 से डिवाइड है, हाँ कितना आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, मतलब हम लोग जो कैपेसिटी मानेंगे ना वो 24 मानेंगे, वो कितने मानेंगे 24, कैपेसिटी को मान लिया हमने 24, जो एलसीएम आएगा ना टाइम का लेना ठीक है, कैपेसिटी कितनी मान ली 24 लीटर, ये हमने मानी है सपोज, सपोज की है ठीक है, एक्चुअल में हो या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसी होती वो हो सकता है 48 हो, वो हो सकता है क्या हो 1 लीटर भी मान सकते हैं, 1 लीटर से भी करके देख लेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा डिवीजन में होगा, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा आंसर, इसलिए हम लोग उसे इग्नोर करते हैं। अब यहां से क्या हो गया हम लोगों के पास, अगर हम ए वाले नल की एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगी, कैपेसिटी अपॉन टाइम, कैपेसिटी हमने सपोज कर ली थी 24 लीटर, टाइम कितना मान लिया गिवन है, टाइम तो
कितना हो गया 4 लीटर पर आवर, मतलब अगर 24 लीटर हम लोगों की कैपेसिटी है तो वो एक घंटे में 4 लीटर भरेगा, एक घंटे में 4 लीटर तो 6 घंटे में 24 भर देगा, है ना, भर देगा ना, ठीक है। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ बी की बात कर लें, अगर ये भी क्या होगी, कैपेसिटी कैपेसिटी दोनों की सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है, लीटर पर आर कितना हो जाएगा 3 लीटर पर आर, मतलब एक घंटे में कितना, एक घंटे में 3 लीटर, एक घंटे में 3 लीटर भरता तो 8 घंटे में 24 लीटर भर देगा, है ना, क्लियर है बात यहां तक। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और 3। जनरली हम लोग एफिशिएंसी के टाइम लीटर पर आवर और ये सब नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, लिखने से मतलब ही नहीं है कुछ। अब देखो यहां पे एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई, अब क्या करना है, दोनों क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, ये भी लिख लो, दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव। अगर यहां पे हमसे बोल दिया जाता कि नेरो ओपनिंग है जहां से वाटर रिलीज हो रहा है या फिर लीकेज है, जिसमें से लीकेज होता ना, जिस नल में से, जैसे यहां से हो रहा है तो यहां से लीकेज हो रहा है अगर, तो उस वाले नल को क्या कर देते, नेगेटिव एफिशिएंसी बोल देते। अभी देखेंगे हम लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं उसे। देखो यहां पे देन द टैंक कैन बी फिल्ड इन, कितने घंटे में अगर दोनों एक साथ मिलके टंकी को भरेंगे तो कितने टाइम में भर पाएंगे। फिर से देखो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या है, यहां हमने एक के लिए बात की थी, ए के लिए, तो ए की एफिशिएंसी निकाली, ए की कैपेसिटी मतलब पूरी टंकी भरने के लिए किसका यूज हो रहा है, ए का, तो कितने घंटे में भरेगी 6 घंटे में। जब हम बी की बात करेंगे तो भी हमने यही फॉर्मूला लिखा, कैपेसिटी हमने मानी थी 24, जो कि क्या है इस टैंक या पिस्टन की कैपेसिटी, कितना टाइम लगता है 8 घंटे मतलब 3, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई 3। अब दोनों से भरना है, दोनों से भरना है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी ना, इससे जितना पानी जाएगा इससे कुछ अलग जाएगा लेकिन ऐड हो रही है ना, टाइम तो कम हो जाएगा, टाइम इतनी तो बात क्लियर है ना कि टाइम तो कम होगा, टाइम तो कम होगा। जब ये अकेला बी वाला 8 घंटे में भर पा रहा है तो दोनों मिलके भरेंगे तो क्या 8 से ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं कम टाइम लगेगा ना, कम टाइम लगेगा, 6 से भी कम टाइम लगेगा, क्यों, अरे वो 6 घंटे में अकेले ही भर पा रहा है तो वो जब हेल्प ले लेगा बी की तो क्या 6 से ज्यादा लगेगी क्या, नहीं, तो हेल्प लेने का मतलब क्या, हेल्प लेने का मतलब क्या, जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो अकेला ही भर देगा, क्लियर। तो यहां से क्या हो गया हम लोगों को, 6 घंटे से तो कम ही होगा, मतलब दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, दो कैंसिल आउट हो गए, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों अगर साथ में भरेंगे तो, दोनों अगर साथ में भरेंगे तो क्या होगा, व्हेन बोथ पाइप फिल टुगेदर, फिल टैंक टुगेदर, टैंक को जब दोनों साथ में भरेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी उतनी रहेगी ना, उसी टैंक को भरना है, कैपेसिटी तो उतनी रहेगी तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, दोनों हो गए ना, तो एफिशिएंसी क्या ऐड कर दो, इसकी एफिशिएंसी नल, पहला नल प्लस दूसरा नल, नल के लिए क्या यूज करते हैं एफिशिएंसी, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि दोनों मिलके भर रहे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से कैपेसिटी कितनी है 24, क्या बोला गया है, टाइम पूछा गया है, जब दोनों मिलके भरेंगे, जब ए भरेगा तो 6 घंटे लगेंगे, बी भरेगा तो 8 घंटे लगेंगे, दोनों मिलके भरेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, टी मान लिया हमने, क्या मान लिया, टी मान लिया। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए इसलिए निकाली थी ताकि हम लोग यहां पे पुट कर पाए, अगर यहां नेगेटिव हो जाता ना, कि बोल देता कि बी क्या करता है, बी 8 घंटे में पूरा पानी निकालने की क्षमता रखता है तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाती, नेगेटिव, क्योंकि वो वाटर को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है पानी को, ठीक है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये भर रहा है, हमारा मेन मोटो क्या, टंकी को भरना है, खाली करना, भरना, अभी हम भरने की बात करते हैं, तो Na माइनस Nb हो जाता, यहां नेगेटिव हो जाता है ना, बात क्लियर। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 4, बी कितना है 3, सी कितना है, कैपेसिटी मतलब 24 डिवाइडेड बाई टाइम, बात क्लियर। T की कितनी वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी 24/7, 24/7 कौन सा है इसमें से, 7 4 28 + 3 31, नहीं ये वाला, 7 3 21 + 3 24 24/7 24/7 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे अगर दोनों मिलके भरेंगे तो। अब ये देखो 6 से कम ही होगा, ये
24 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, 3.42 होगा, तो यहां से कम आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 24/7। एक बार समझते हैं कि फिर से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम पहले पढ़ रहे थे कि अगर हम लोगों के पास ए को क्या पाइप ए है, एफिशिएंसी होती है ए के लिए, पाइप ए है वो किसी पर्टिकुलर चीज को 6 घंटे में भरता है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन हम लोगों से इतना डाटा नहीं देता सिर्फ अगर ए की बात करता, तो अगर बी की बात कर रही है कर रहा है क्वेश्चन तो 8 घंटे दिया है, अगर सेपरेट क्वेश्चन बनते तो वो एक डाटा और देता, क्योंकि यहां से कुछ हो नहीं सकता था, एक ही डाटा गिवन है। लेकिन यहां पे कंपैरिजन वाली बात आ गई ना, देखो ए और बी, ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे में, दोनों साथ में मिलकर भरेंगे तो कितने टाइम में भर देंगे, क्लियर। तो ए अकेला भरेगा तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, बी अकेला भरेगा तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, दोनों साथ में भरेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे, यही हो गया ना भाई, पानी तो यहां आ रहा है। ए ने 1 घंटे में दोनों को लिए 1 घंटा के लिए चालू किया, 1 घंटे के लिए नल चालू किया, अब 1 घंटे में ए कितना भर देगा, 4 लीटर भर देगा, यहां तक लेवल आ जाएगा। अब उसी घंटे में दोनों साथ में चल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि पहले ए को चालू किया फिर बी को, फिर ए को फिर बी को, नहीं, ऐसे में तो डबल टाइम हो जाएगा। तो 1 घंटे में ही ये 4 लीटर भर देगा और बी वाला 3 लीटर, तो 1 घंटे में 7 लीटर भर जाएगी, 7 लीटर भर जाएगी, 2 घंटे में 14 लीटर, 3 घंटे में कितनी भर जाएगी, 21 लीटर, बची कितनी, हमने 24 माना है, तो 21 के आसपास कुछ आंसर होगा दोनों के लिए। देखो 3+7 हो गई 1 घंटे में, 1 घंटे में तो टाइम निकालना है 24 को भरने के लिए कितना है ना, तो यहां से यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी को ऐड करना है, इतनी बात याद रखो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हमें क्या कर यूज आएगा, कारगर साबित होगा, है ना। तो यहां से आंसर कितना आ गया, 3/7 इज द आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। मतलब दो पाइप है हम लोगों के पास, दोनों के लिए क्या कहा गया है कि पाइप जो ए है वो 10 घंटे में भरता है, लेकिन बी के लिए क्या बोला गया है, वो खाली करता है, ए भरता है और बी क्या खाली करते जा रहा है। When both pipes open simultaneously, then the time required to fill the tank is। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। देखो यहां पे 10 घंटे में भरता था, यहां पे 8 घंटे में भर रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पे पाइप भी क्या करता था कि टैंक को 8 घंटे में खाली करता था, यहां पाइप भी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। Find the time to fill the tank। दोनों क्वेश्चन somewhat similar लग रहे, लेकिन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो हम डिफरेंस अभी समझेंगे। डिफरेंस क्या, देखो यहां पे हम लोगों से बोल दिया गया है कि ए जब भरता है और बी खाली करता है, ए क्या करता है 8 घंटे में भरेगा, ए क्या करेगा 8 घंटे में भरेगा, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, कैपेसिटी सी अपॉन टी, कैपेसिटी को हम लोग हमेशा लेके चलेंगे सी, और टाइम को टी फॉर्मूले में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कैपेसिटी गिवन नहीं है और कैपेसिटी एज्यूम करने की बारी आएगी, तब हम ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, चाहे वो खाली कर रहा हो टैंक को या फिर टैंक को फिलअप कर रहा हो, दोनों में देखो ऐसा कौन सा नंबर सबसे छोटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होगा सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, क्या 20 होगा, नहीं 30 होगा, नहीं 40 होगा, क्यों 40 क्यों होगा, क्योंकि 8 को डिवाइड कर पाएगा वो, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया हम लोगों का 8 और 10 का 40। अब देखो अब क्या बोला गया हमसे कि ए क्या करता है, फिलअप करता है। अगर ए की बात कर लें, एफिशिएंसी निकालना पड़ता है सबसे पहले, कैपेसिटी हम लोगों ने मान ली 40 लीटर, 40 डिवाइडेड बाय टाइम 10, एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब हम लोग क्वेश्चंस में लिखेंगे लीटर, लीटर पर आवर कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे बिना यूनिट के, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 40 कैपेसिटी थी, 8 घंटे में क्या करता है एम्प्टी करता है, तो 5। अब यहां पे एम्प्टी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगी एफिशिएंसी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, ये टैंक को खाली कर रहा है, जहां एम्प्टी दिखे वहां नेगेटिव लगा दो। अब दोनों को साथ में खोल दिया जाए, अब दोनों को साथ में खोल दिया जाए, देखो ये कंडीशन कैसी बनेगी, अगर डायग्रामेटिकली देखें हम लोग, तो ये हम लोगों के पास क्या है, एक पाइप है,
यहां पे क्या है, नेरो ओपनिंग है या फिर कोई टैप लगा हुआ है, ये है बी, ये हम लोगों के पास क्या है, ये है ए, ये है ए, ये ए क्या करता है, ये फिल कर रहा है, इसे भरते जा रहा है ना, क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, खाली करते जा रहा है, बी से पानी क्या हो रहा है, खाली कर रहा है या फिर बोल दे लीकेज हो रहा है, क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा कि ए की बात करें, ए भरता है, फिलअप करता है, बी क्या करता है, एम्प्टी करता है, ए फिल करेगा तो पॉजिटिव एफिशिएंसी, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा वाटर, या फिर इसे लिख दे हम लोग रिलीज या फिर एम्प्टी, एम्प्टी खाली करेगा, नेगेटिव इफेक्ट है, खाली कर रहा है, माइनस एफिशिएंसी। अब दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितने टाइम में क्या होगा, फिलअप होगा, कितने टाइम में फिलअप होगा, देखो कैसे करेंगे, Na प्लस माइनस Nb, यहां से एक कॉन्सेप्ट नया समझेंगे हम लोग, कैपेसिटी कितनी होगी, 40 हो गई, टाइम कितना लगेगा वही पूछा, 4 - 5 है ना, यही तो हो गया ना, यहां से एफिशिएंसी भी क्या नेगेटिव होगी ना, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, माइनस फाइव हो जाएगी, यहां प्लस फाइव लिख देगा, दोनों भरते, दोनों टैप या फिर पाइप क्या करते, फिलअप करते, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एम्प्टी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो यहां से माइनस फाइव हो जाएगा, या प्लस माइनस फाइव लिख दो, 40 / T, यहां से टाइम कितना आ गया, माइनस फोर्टी किस में दिया हुआ है, आवर्स में, -40 आवर्स। अब देखो यहां माइनस क्यों आ गया, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, क्या कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम मशीन नहीं है जिससे टाइम नेगेटिव हो जाए, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव क्यों आ गया, इस क्वेश्चन में नेगेटिव कैसे आया, देखो वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहां पे जो ए है वो क्या 10 घंटे लेता है, ज्यादा टाइम ले रहा है उसे भरने में, ज्यादा टाइम क्या ले रहा है, भरने में, और कम टाइम किसमें ले रहा है, एम्प्टी करने में, कम टाइम किसमें ले रहा है, एम्प्टी करने में, मतलब वो 10 घंटे में क्या करेगा, उस टैंक को पूरा भर देगा, लेकिन बी वाला टैप क्या करेगा, 8 घंटे में ही खाली कर देगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये सीधी सीधी बात कि जिसका टाइम ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसमें टाइम कम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पानी को डालना है पानी को निकालना, ए क्या कर रहा है पानी भर रहा है, बी क्या कर रहा है पानी निकाल रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए किसकी ज्यादा हो गई, एफिशिएंसी ऑफ ए यहां पे कितनी ज्यादा हो गई, एफिशिएंसी ऑफ बी ज्यादा हो गई, क्यों एफिशिएंसी ऑफ बी ज्यादा है ए से, क्यों, क्योंकि टाइम कम है, टाइम जो है वो ए के लिए ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, कैपेसिटी अपॉन टाइम, देखो एफिशिएंसी ऑफ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ए की एफिशिएंसी कम, बी को कम टाइम लग रहा है तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा, अगर बी की एफिशिएंसी ज्यादा हो गई ना, इसका मतलब क्या है, एक घंटे में मान लो ये कितना पानी भर रहा है, देखो एक घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 लीटर, पर ये एक घंटे में 5 लीटर निकाल दे रहा है, अरे इतना तो है ही नहीं, निकालेगा कहां से, मान लो 8 घंटे है, मतलब इसका मतलब क्या है, 4 वो लीटर भरता है लेकिन 5 लीटर वो एक घंटे में निकाल सकता है, 4 लीटर per hour, 5 लीटर per hour, पॉजिटिव का मतलब भर रहा है, नेगेटिव का मतलब रिमूव कर रहा है, तो यहां पे 1 घंटे में 4 लीटर पानी क्या करेगा, ए भर देगा, लेकिन बी क्या करेगा, 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल देगा, अगर 1 घंटे की बात करें तो जब 1 घंटे में ए ने 5 लीटर भरा ही नहीं, सिर्फ 4 लीटर भरा, तो 5 लीटर निकालेगा कैसे, 5 लीटर निकालेगा कैसे वो, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि वो कभी भरने देगा ही नहीं, वो कभी भरने ही नहीं देगा उस चीज को, बात क्लियर हो रही है यहां से, वो कभी क्या करेगा, कभी भरने ही नहीं देगा उस चीज को, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब ये जो क्वेश्चन बोला गया है ना, ये गलत क्वेश्चन बोला गया है, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, यहां होना था देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक ये क्वेश्चन होना था, यहां पे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, लेकिन वहां वाले हमारे इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ए क्या करता है, फिलअप करता है, और एफिशिएंसी टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो क्या करता है, भरता जाएगा, वो क्या करता जाएगा, भरते जाएगा उस चीज को, लेकिन ये क्या करेगा, खाली करते जाएगा, ये क्या करेगा, खाली करते जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो कैपेसिटी मानी है ना, ये जो कैपेसिटी मानी है, अगर फिलअप करने की बात आती है तो क्या हो जाता है, यहां पे
फिल भी कर रहा है और एम्प्टी भी हो रहा है, फिल भी कर रहा है एम्प्टी भी हो रहा है, तो फिलअप होते जाएगा क्योंकि फिलअप करने की एफिशिएंसी ज्यादा है उस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे फुल भरा हुआ है, यहाँ पे अगर वो पूछ ले कि एम्प्टी करना है, अगर एम्प्टी करना है क्वेश्चन में देखो दो टाइप के आते हैं, या तो फिलअप करने के लिए बोलेगा या एम्प्टी करने के लिए टाइम पूछेगा। अगर फिलअप की बात करें मतलब पूरा टैंक खाली है, अगर एम्प्टी की बात करें मतलब पूरा टैंक भरा हुआ है, पूरा टैंक भरा हुआ है, उल्टी कंडीशन होने जाती। खाली करना है तो भरा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भरा हुआ है तो खाली करना है। तो यहां से क्वेश्चन गलत है, यहां पे उसे बोलना था, क्या बोलना था उसे, उसे ये चीज बोलनी थी कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक इज मतलब खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में, जो टैंक है वो भरा हुआ है, जो टैंक है वो भरा हुआ है पूरा, साथ में खाली भी हो रहा है भर भी रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे खाली करने के लिए पूछा गया है देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी, यहां नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये कि खाली कर रहा है वो, यहां पे खाली कर रहा है, नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि खाली कर रहा है। देखो यहां से क्या हो सकता है, टी की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब या तो सी नेगेटिव हो या फिर एन नेगेटिव हो, या तो सी नेगेटिव हो या फिर एन नेगेटिव हो, कोई और नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। देखो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब एफिशिएंसी या फिर जो कैपेसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है। कैपेसिटी नेगेटिव होगी क्या, कैपेसिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना, एक लीटर दो लीटर, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि माइनस वन लीटर माइनस टू लीटर, है ना। लेकिन एफिशिएंसी नेगेटिव हो सकती है, कब हो सकती है, जब वो पानी को निकाल रहा हो। इसका मतलब ये है कि जो पानी निकालने वाला जो टर्म है एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं हम लोग पाइप से, वो क्या है, ज्यादा है, मतलब जितने टाइम के लिए वो भर रहा है उतने टाइम के लिए अगर खाली कर रहा है, और खाली करने की एफिशिएंसी ज्यादा है, टाइम कम है और एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि वो क्या कभी भी भर नहीं पाएगा, वो हमेशा खाली होते जाएगा। खाली हो जाएगा तो कितने घंटे में, 40 आवर्स में खाली हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही है कि खाली करना है, यहाँ पे एम्प्टी की बात कर ली खाली, या तो इस टाइप से बोल दें कि हम लोग खाली करने वाले को पॉजिटिव ले लें, लेकिन वहां कंफ्यूजन होगा, अगर खाली करने वाले के लिए हम पॉजिटिव ले लें तो ए नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आंसर हमने किसके लिए लिया था, खाली करने के लिए, इसका मतलब क्या खाली हो रहा है। लेकिन यहां से जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, तो सीधी बात ये पकड़ो कि अगर भर रहा है टैंक तो पॉजिटिव लेंगे, अगर एम्प्टी हो रहा है टैंक तो नेगेटिव लेंगे। अगर नेगेटिव आंसर आता है इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो खाली होगा ना कि भरेगा, खाली होगा ना कि भरेगा। इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मान्य 40 आवर्स, इसका मतलब यह है कि वो खाली हो रहा है, नेगेटिव साइन मतलब खाली हो रहा है, भर नहीं पाएगा, वो खाली हो रहा है, क्वेश्चन में एम्प्टी देगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी एम्प्टी द टैंक इन 10 आवर्स, फाइंड द टाइम टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम टू फिल द टैंक, फिलअप करना है टैंक को, फिलअप करना है, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे दिया हुआ भरने के लिए इस और 10 घंटे दिया खाली करने के लिए, एफिशिएंसी भरने के लिए ज्यादा है क्योंकि टाइम कम है, एफिशिएंसी खाली होने की कम है क्योंकि टाइम ज्यादा है, मतलब वो जितना एक घंटे में मान लो 8 उसने भर दिया तो कम 6 लीटर खाली करेगा, मतलब 2 लीटर तो बचा ना, फिर दूसरे लीटर में क्या कर देगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 4 लीटर भर गया, है ना। ये क्या हम लोगों के पास, ये है ए टैप नंबर ए, टैप बी, यहां से भी पानी लीक हो रहा है, लेकिन जो रेट है पानी बाहर जाने का, रिलीज होने का, वो क्या है, रिलीज होने का जो क्या है हम लोगों के पास रेट है वो कम है। यहां पर रिलीज होने का रेट क्या था, ज्यादा, देखो यहां पर एफिशिएंसी मतलब रेट होता है, एक लीटर में कितना पानी आ रहा है, एक लीटर में कितना पानी जा रहा है, जब जाने वाले पानी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पानी आया होगा उसमें पहले से पानी होगा तभी तो जाएगा, नहीं तो क्या करेगा वो, 4 लीटर पानी भरा 5 लीटर बाहर कैसे निकल जाएगा, कब निकलेगा, जब वो पूरा भरा होगा, एम्प्टी की बात करें मतलब भरा होगा तभी एम्प्टी की बात करेगा ना, खाली है तो किसकी बात करेगा, खाली होगा तो फिलअप की बात करेगा, जैसे यहां पे है ना। तो यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या, खाली है ये भरेगा, यहां पे क्या था, ये भरा हुआ था इसका मतलब खाली होगा, यहां खाली इसका मतलब क्या है, भरेगा। अब देखो यहां पे क्या हो गया कि फाइंड द टाइम टू फिल द टैंक, दोनों को साथ में खोल दिया हमने, कैपेसिटी मान ली यहां पे, जो एलसीएम आया था इस केस में कितना आया था, 40 लीटर मान ली, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 40 बाय 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 5 लीटर एक घंटे में वो क्या कर देता है, भर देता है, यही तो होती है एफिशिएंसी, 5 लीटर पर आवर,
वही एफिशिएंसी बी की बात करें तो पहले ही नेगेटिव लगा दो, क्योंकि हमें याद गया कि बी क्या करता है, खाली करता है 40/10 किस स्पीड से, एक घंटे में कितना खाली कर देगा, 4 लीटर खाली कर देगा एक घंटे में, और ये एक घंटे में भर भी तो रहा है, कुल मिला के एक घंटे में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है भर रहा है, कुल मिला के यहाँ एक घंटे में खाली हो रहा था, एक घंटे में 1 लीटर, 2 घंटे में 2 लीटर, कितनी कैपेसिटी है 40 लीटर, कितना घंटा लगेगा, 40 घंटा लगेगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, 4 लीटर खाली हो रहा है, इसका मतलब कुल मिला के क्या होगा, 1 लीटर भरेगा, 2 घंटे में 2 लीटर भरेगा, कैपेसिटी कितनी है 40 लीटर, कितना 40 घंटा लगेगा ना, क्या हो जाएगा यहां से, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा यहां पे 40 डिवाइडेड बाय, क्या लिख दें यहां पे 40 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ही तो निकालना है, टाइम क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय, एफिशिएंसी ऑफ कितनी हो गई 5, बी कितनी हो गई 4, कितना हो जाएगा ये 40 आवर्स, 40 घंटे लगेंगे भरने में या 40 घंटे लगेंगे खाली होने में, क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है। यहां से दो कॉन्सेप्ट समझे हम क्या, कि अगर हम लोगों के पास खाली होने के लिए पूछा गया है तो हमारा टैंक ऑलरेडी इनिशियली भरा होगा, अगर फिलअप के लिए बात की गई है तो हमारा इनिशियली टैंक खाली होगा, तभी तो भरेगा ना, भरे हुए टैंक को भरेंगे कहां से और खाली हुए टैंक को खाली कहां से करेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। दूसरी बात, यहां पे हमारा सबसे बड़ा खेल है एफिशिएंसी का, देखो यहां पे टाइम नेगेटिव आ गया, कभी हो नहीं सकता, क्यों नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब ये समझो कि वो खाली हो रहा है उस रेट से, खाली हो रहा है उस रेट से, यहां एफिशिएंसी पॉजिटिव आ गया, देखो 5 प्लस माइनस 4 कितना होगा, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, मतलब 1 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसका रेट, मतलब ये नल क्या करता है, 5 लीटर डालता है ये 4 लीटर खाली कर देता है, ये फिर 5 डालता है ये 4 खाली कर देता है, 1 लीटर तो स्टोर हो रहा है ना हर घंटे में, क्या हो रहा है 1 लीटर स्टोर हो रहा है घंटे में, अगर हर घंटे में स्टोर हो रहा है 1 लीटर तो 40 लीटर स्टोर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 घंटे लगेंगे ना, यहाँ 40 घंटे में खाली हो रहा है, 40 घंटे में भर रहा है, जो एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना सपोर्ट उसका रहेगा, उसके फ्लो में जाना है। यहाँ पे एम्प्टी का क्या, देखो ये बी है एम्प्टी, यहाँ पे क्या है -5 है ना, तो 4 और 5 में बड़ा कौन, यहाँ ये नेगेटिव तो बस समझने के लिए लगाया था कि एम्प्टी हो रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 मतलब 4 लीटर भर रहा है 5 लीटर खाली हो रहा है, तो बड़ा कौन किसकी तरफ जाएंगे, 5 की तरफ जाएंगे ना हम लोग, बड़ा है क्योंकि बड़े वाले की सुनी जाती है घर में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, एफिशिएंसी ऑफ ए बड़ी है बी बड़ी है, मॉडुलस देखना पॉजिटिव वैल्यू, 5 बड़ा है 4 5 बड़ा है, यहाँ तो 5 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, भरेगा टैंक, यहाँ पे क्या था खाली हो रहा है, 1 लीटर ज्यादा खाली हो रहा है मतलब भरा होगा, तभी तो 1 लीटर ज्यादा खाली होगा ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहां से 40 आवर्स आता है, वहां भी 40 आवर्स, लेकिन वहां उस क्वेश्चन में क्या होगा 40 घंटे में वो भरेगा, लेकिन यहाँ पे 40 घंटे में वो खाली हो जाएगा पूरा। बात क्लियर हो गई इतनी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप, देयर आर 2 पंप्स टू फिल अ टैंक, टैंक फिलअप करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, पंप का। फर्स्ट पंप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स while the second in 10 hours, मतलब जो पहला वाला पंप है वो 8 घंटे में पूरे टैंक को फिलअप करने की क्षमता रखता है, या फिर उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी अपॉन 8 आवर्स, while the second in 10 hours, मतलब जो दूसरा वाला पंप है वो उसी टंकी को, उसी टंकी जिसकी कैपेसिटी सी हो, उसी को जिसको फिल किया है ए वाले ने, पहले पंप ने, उसी को वो फिल कर पाएगा 10 घंटे में, if both the pumps open at the same time, या फिर start at the same time and keep it open for 4 hours, the part of tank filled will be, कितना part fill हो जाएगा, question समझ में आया, एक pump क्या करता है 8 घंटे में टंकी को भरता है, दूसरा pump 10 घंटे में टंकी को भरता है, जब दोनों pump को 4 घंटे के लिए साथ में चालू करेंगे तो कितने देर में pump क्या करेगा, कितनी टंकी को भर देगा, कितना part, यहाँ पे part की बात की गई है, कितना part टंकी का भर देगा, कैसे करेंगे, देखो जरूरी नहीं है कि हर बार टैंक बनाना, टैप बनाना, पाइप बनाना जरूरी नहीं है। देखो क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है, 8 आवर्स, 10 आवर्स, और क्या गिवन है, 4 आवर्स, पूछा क्या गया है, फील्ड कितना फील हो चुका है, वो वाला पार्ट बताना है। ए के लिए देखो हम लोगों के पास यहां पे टाइम गिवन है, टाइम, ये अगर पंप वन की बात कर लें और ये है पंप टू, तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, यहां पे टाइम कितना दे रहा है हमको, 8 घंटे, 8 घंटे लगते हैं पहले पंप को
दूसरे पंप को 10 घंटे लगते हैं, क्लियर। अब दोनों को साथ में चालू कर दिया जाए, साथ में चालू कर दिया जाए, P1 प्लस P2 लगेगा, तो क्या बोल दिया गया, 4 घंटे। यहां पे टाइम कितना गिवन है, 4 घंटे, 4 आवर, दोनों को साथ करेंगे। देखो अगर P1 जो पंप पहला है उसे 8 घंटे के लिए चालू करेंगे तो पूरी टंकी को भरेगा, P2 कितने टाइम में टंकी को भरेगा, 10 घंटे में। जब दोनों को साथ में चालू करेंगे तो हमें बताना है कि 4 घंटे में कितना पार्ट टंकी का भर जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम कुछ भी हो, सबसे पहला काम करना है एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी ऑफ पंप। पहले पंप की एफिशिएंसी P1, कैपेसिटी कितनी मानेंगे, कैसे निकालेंगे कैपेसिटी, एलसीएम ले लेंगे, सी से भी कर सकते हैं लेकिन एलसीएम लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 8 और 10 का, एलसीएम ऑफ 8, थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था 40 आएगा ना, सबसे बड़ा नंबर उसका मल्टीपल जो उससे भी डिवाइड हो जाए, कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8 कितना 5। एफिशिएंसी ऑफ P2, एफिशिएंसी ऑफ P2 पंप नंबर 2, कैपेसिटी इतनी रहेगी, टाइम 10 घंटे लगेगा, टोटल 4 आ जाएगी एफिशिएंसी, मतलब 5 लीटर पर आर के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी, मतलब रेट क्या है, एक घंटे में 5 लीटर भरेगा ये, एक घंटे में 4 लीटर भरेगा, तो दोनों साथ में चलेंगे तो एक घंटे में कितना 9 लीटर भर देंगे ना, 4 घंटे तक चले तो कितना 36 लीटर, 9 4 36 36, कौन सा पार्ट है 40 का, 40 लिया था ना कैपेसिटी, क्या ली थी कैपेसिटी 40, 36 40 का कौन सा पार्ट है, 9/10 पार्ट है, 9/10 पार्ट है, कैपेसिटी हमने कितनी मान ली यहां से, तो इसका मतलब यही तो होता है जो एलसीएम लेंगे वो कैपेसिटी यही होगा ना, तो यहां से क्या हो गया हम लोगों के पास, जब दोनों साथ में करेंगे मतलब एफिशिएंसी ऑफ P1 प्लस, वहां हमेशा हम लोग क्या निकालते थे, हमेशा हम लोग निकालते थे इन दोनों के लिए टाइम, जैसे T1 हो गया, 2T हो गया, प्लस जब दोनों साथ में काम करेंगे तब T1 प्लस T2, या फिर हम बोल दें T1 प्लस 2 टोटल टाइम, टोटल टाइम, यहां में टाइम से मतलब नहीं है, इसका टाइम प्लस इसका टाइम ऐड नहीं करना है, क्लियर, यहां पे दोनों का टाइम ऐड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि T1 प्लस T2 लिख दिया हमने, T1 प्लस 2 लिखा, इसका मतलब क्या है, ये जो बाद में टाइम लगेगा ना, जब दोनों साथ में काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा, ये वो वाला टाइम है। अब क्या हो गया, कैपेसिटी हमने मान ली 40, हमेशा हम लोगों को एफिशिएंसी निकालते थे वो टाइम गिवन था कि कितने टाइम में, या फिर हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, एफिशिएंसी दोनों की, जब दोनों साथ में काम करेंगे, हमने कैपेसिटी मान ली थी टाइम, कितने टाइम में पूरा भर देगा, पूरा खाली कर देगा, यहां पे हमने बोला गया है कितना पार्ट खाली रहेगा या भर जाएगा, यहां पे एफिशिएंसी दोनों की ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 4, कैपेसिटी हम लोगों ने कितनी मान ली, कैपेसिटी निकाल लेते हैं कितनी कैपेसिटी भर जाएगी, कितने टाइम में, 4 घंटे में, कितनी, यहां कैपेसिटी से मतलब है कि 4 घंटे में कितना फिलअप होगा, या इतना फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही तो है करस्पॉन्डिंग टाइम, और करस्पॉन्डिंग क्या है कैपेसिटी, या फिर कितना हाइट तक भरा है, हाइट मतलब कितने लीटर्स तक भर गई, जरूरी नहीं यहाँ एफिशिएंसी रख दें हम लोग, यहाँ जो सी लिखते हैं C/T, टी के रेफरेंस में कितनी कैपेसिटी है, मतलब टी टाइम में कितना भर जाएगा, यही होता है सी, क्लियर। एफिशिएंसी निकालने के लिए जरूर हम कैपेसिटी बोलते हैं उस चीज को, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कैपेसिटी बाद में सॉल्व करेंगे ना, कैपेसिटी निकालना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कैपेसिटी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कैपेसिटी है, यहाँ पे ये सी कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे सी क्या चीज है, टी टाइम में कितना लीटर पानी भरेगा, वो है ये सी, बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे जब हम एफिशिएंसी निकाली थी हमने तो क्या निकाला था, कैपेसिटी अपॉन टाइम, तो यह टोटल कैपेसिटी थी, इसका मतलब तो ये है ना कि 8 घंटे में पूरी टंकी भरेगी, 10 घंटे में ये वाली पूरी टंकी भरेगी, तो टी टाइम में कितनी भर जाएगी टंकी कितनी भर जाएगी, टंकी तो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो कैपेसिटी तो सेम है ना, जितना लीटर पानी ए से भरने पे जाएगा, जितना लीटर पानी बी से भरने में जाएगा, मतलब P1 P2 से, उतना ही तो दोनों को साथ में चालू करेंगे भरेगा ना, क्लियर है बात। एफिशिएंसी होती है पंप की, लेकिन कैपेसिटी किसकी होती है, टंकी की। तो यहाँ पे ये जो सी है ना, यहाँ इस केस में तो जब एफिशिएंसी निकालेंगे तब हम कैपेसिटी रखेंगे, क्लियर। या फिर ये भी रख सकते हैं यहाँ पे कि टी टाइम में कितना भरा, उसको कैपेसिटी ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि टी टाइम में एफिशिएंसी इज इक्वल टू टी टाइम में कितना भरा, एफिशिएंसी इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, मतलब टी टाइम में कितना भरा उसी को बोलेंगे कैपेसिटी, क्लियर है। या फिर कैपेसिटी उसको बोल सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम लिमिट अगर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे,
दूसरा तरीका कोई नहीं है ना हम लोगों के पास, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, एफिशिएंसी इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो वहां पे कैपेसिटी जो हमारी पूरी थी, पूरी टंकी को भरने के लिए, पूरी टंकी की जो कैपेसिटी थी डिवाइड में उस टंकी को भरने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ फिर रेट आ जाएगा लीटर पर लीटर पर आर, यहाँ पे लीटर पर आर मतलब कैपेसिटी कितनी भरेगी टी वन टाइम में। यहाँ पे टी वन टाइम में अगर मोटर चालू करेंगे, दोनों पंप चालू करेंगे तो कितनी कैपेसिटी तक फिलअप हो जाएगा, यही तो है सी। बात क्लियर हो रही है? तो सी कितना आ गया, 9436 लीटर। ये तो क्या कैपेसिटी अलग अलग होगी क्या? यहाँ पे कैपेसिटी 40 मानी थी हमने, यहाँ कैपेसिटी 36 हो गई। नहीं, ये कैपेसिटी नहीं, ये वो वाला पार्ट है जो भरेगा इतने टाइम में, ये वो वाला पार्ट है जो इतने टाइम में भरेगा। इसे C1 मान लो, इसे C1 मान लो। C1 क्यों माना, यहाँ पे C1+2 मान लो, C1+2 मतलब दोनों साथ में रहेंगे तब कितना पार्ट भरेगा। बात क्लियर है? तो सिर्फ ऐसा समझो कि अगर यहां पे टाइम कुछ गिवन है तो उतने टाइम में ये कितना भरेगा वही है सी। बात क्लियर? टी टाइम में जिससे डिवाइड करते हैं ना, यहां T1+2 से डिवाइड किया, यहां T1 से डिवाइड किया, यहां T2 से। क्यों? क्योंकि यहां पे T1 टाइम में 40 लीटर भरता था, यहां 10 घंटे में 40 लीटर भरता था, यहां पे टी टाइम में कितना लीटर भरेगा वही तो पूछा है, 4 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 4 घंटे में वही तो बात हो रही है, 4 घंटे की बात हो रही है ना, जो 4 घंटे में कितना भरेगा वही C1+2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखना है हमें, लीटर पर आर में लिखना है हमेशा, लीटर पर आर, लेकिन पर आर तो लिख दिया यहां पे, तो कितना आ जाएगा यहां पे, कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी होती है लीटर पर आर, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा C1+2, हमारा कैपेसिटी आ जाएगी 36 लीटर। यहां 40 लीटर हमने लिया था, 36 लीटर भर चुका है, 36 लीटर भर चुका है। कितना था इसकी कैपेसिटी, 40 लीटर मानी थी हमने, कितना भर चुका है, कितना भर चुका है, 30 लीटर, 36 लीटर, 4 लीटर क्या है खाली है, 36 लीटर भर चुका है यहां पे पानी, 36 लीटर क्या पानी भर चुका है। तो कितना पार्ट भर चुका है, द पार्ट ऑफ टैंक डेक विल बी फिल्ड, फिल्ड की बात हो रही है, मतलब कितना भर चुका है, 36 भर चुका है, कितने में से, 40 में से, तो 9/10। अगर वो बोल देता कितना खाली है, कितना खाली है, तो हम लोग बोलते 4 खाली है, 4 लीटर कितने में से, 40 लीटर, पहले कितना था 40 लीटर, 40 लीटर में से कितना खाली रह गया 4 लीटर, तो 4 लीटर डिवाइडेड बाय 40, 4/40 कितना होगा 1/10, तब होता हमारा 1/10, लेकिन यहां पे आंसर क्या आएगा 9/10। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब रेट, रेट मतलब कितने टाइम में कितना भर पाता है, या फिर एक घंटे में कितना लीटर भर पाता है, वही होगी एफिशिएंसी। अगर यहां पे हम लोग फॉर्मूला देखें तो यहां पे एफिशिएंसी कितना लिखते हैं हम लोग, एफिशिएंसी इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो यहां जो कैपेसिटी है ना, ये अगर हमें एफिशिएंसी के लिए बोला जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 घंटे में पूरा पूरा बोला गया ना, पूरा पूरा फिल कर देता है ना, अगर कुछ गिवन नहीं है, इतना पार्ट भरता है, इतना पार्ट खाली रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा भरने में 8 घंटे लेता है, दूसरा पंप पूरा भरने में 10 घंटे लेता है। वहीं तो हमसे बोला गया है कि अगर वो 4 घंटे के लिए दोनों पंप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी का कितना पार्ट भर चुका रहेगा, कितना पार्ट भर चुका रहेगा, 9/10 पार्ट भर चुका रहेगा, तो खाली कितना रहेगा 1/9/10। इसका मतलब क्या है, 1/10 यहां से भी निकाल सकते हैं, जो खाली वाला पार्ट कितना 4/40 कितना हो जाएगा 1/10, लेकिन इस केस में आंसर आएगा 9/10। क्यों? क्योंकि 36/40 होता है 9/10 और 36 वाला पार्ट हमारा भर चुका है। बात क्लियर होती है यहां से? अब देखते हैं अगला टाइप, अगले टाइप में देखो यहां पे क्या हो गया हम लोगों के लिए, अगले टाइप में देखो ये टाइप क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहां पे जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, किसकी वजह से, अगर कंफ्यूजन होता है तो, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो, एफिशिएंसी का इतना याद रखो, एफिशिएंसी क्या होती है, लीटर पर आर, एफिशिएंसी होती है लीटर पर आर। यहां पे जो लीटर और आर है ना, लीटर और आर, लीटर मतलब कैपेसिटी, मतलब कितना भरा है, कितना खाली है, ये सब बताता है लीटर। टाइम क्या बताता है, कितने टाइम में भरा है, कितने टाइम में खाली है। अगर एल लीटर भरा है तो टाइम क्या रहेगा, भरने का टाइम। अगर एल लीटर खाली होता, जो टाइम लिखेंगे ना डिवाइड में, एफिशिएंसी इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, तो जो टाइम लिखेंगे वो क्या रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा खाली होने का टाइम। तो करस्पॉन्डिंग लेना है, ठीक है। अगर वो भर रहा है तो ऐसा नहीं कि खाली होने का टाइम लिख दिया, खाली हो रहा है टंकी तो भरने का टाइम लिख दिया, ऐसा नहीं। क्लियर?
अब ये जरूरी भी नहीं है कि अगर 8 घंटे में पूरा भर जाता है तो 8 घंटे से ही निकल सकता है हम लोगों का, 8 घंटे से ही आंसर निकल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी चाहे हम 20 लीटर के लिए निकालें 40 लीटर के लिए, वो चलती है कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। कैसे? जैसे 8 घंटे में 20 लीटर पानी भर गया तो 4 लीटर में कितना भरेगा, आधा। जब 8 घंटे में 16 भरता तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शन चलता, तो जरूरी नहीं है कि 8 से निकल जाए वो, जरूरी नहीं है कि 8 लीटर से ही आंसर निकले। एफिशिएंसी निकालना है तो वो किससे निकल सकती है, आधे टाइम से भी तो निकल सकती है। यहाँ पे कैपेसिटी हम लोग कितनी रख देंगे, मान लो 20 लीटर है हम लोगों की कैपेसिटी, 16 लीटर है कैपेसिटी, तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कैपेसिटी अपॉन रेट, कैपेसिटी अपॉन टाइम कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 2 आ गई। अब ये भी तो हो सकता है कि हम लोगों से ये ना बोल के टंकी की एफिशिएंसी तो 16 रहे, लेकिन क्वेश्चन ये ना बोलते हो हमें ये बोल दे कि आधी टंकी, आधी टंकी मतलब 16 लीटर भरने में, आधी टंकी मतलब 16 का आधा 8 लीटर, 8 लीटर भरने में 4 घंटे लगता है, ये भी बोल सकता है। आधी टंकी भरने में जिसकी कैपेसिटी कितनी 16 लीटर, आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगता है उसे, 4 घंटे लगते हैं। आधी टंकी मतलब क्या हो जाएगा, 8 लीटर के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 8/4, तो यहां से भी तो 2 आया। आंसर 2 तो कहीं से भी आ सकता है, हमारे पास आधे लीटर के लिए बोल दिया जाए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर लीटर दे दिया जाए ना, कैपेसिटी दे दिया जाए, तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आंसर सिर्फ यहीं से आए, आधी टंकी से भी आ सकता है और कोई भी पार्ट से आ सकता है आंसर, अगर क्वेश्चन में लीटर करस्पॉन्डिंग टू टाइम दिया है, टाइम करस्पॉन्डिंग टू लीटर, इतने लीटर भरने के लिए इतना टाइम दिया है, तो वही टाइम हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ कैपेसिटी क्या लिख दी हमने कि जब दोनों पंप साथ में काम करेंगे 4 घंटे के लिए तो कितना लीटर पानी भर जाएगा, कितना लीटर पानी भर जाएगा, यही हमारी कैपेसिटी। सॉरी। तो यहाँ पे हम उसे कैपेसिटी ना बोलते हुए कि द पार्ट द नंबर ऑफ लीटर्स फिल्ड इन द टाइम वेयर बोथ पंप 1 एंड पंप 2 आर ऑपरेटिंग, जब दोनों पंप ऑपरेट करेंगे तब 4 घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा, कितना लीटर पानी भर जाएगा, वही हमारी C1 होगी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग C लिखते हैं सिर्फ उस चीज को, लेकिन यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो T है वो करस्पॉन्डिंग टू C है, और जो C है कैपेसिटी वो करस्पॉन्डिंग टू T है, तभी हमारा क्वेश्चन बन पाएगा। क्लियर है बात? ऐसा नहीं करेंगे कि सी जो रखा है, सी क्या है, कैपेसिटी पूरा भरने के लिए, यहाँ पे टाइम कुछ और रख दो, यहाँ भी सी रख दें हम लोग 40 और टाइम 4 रख दें, ऐसा नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग रखना, जितना टाइम उतने टाइम में जितना बन सकता है उतना कैपेसिटी लिख देंगे, या फिर जितनी कैपेसिटी लिखेंगे उसको भरने में जितना टाइम लगेगा उससे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। बात क्लियर है?